मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ पाव भाजी की रेसिपी। तो पहले हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं भाजी के लिए। यहाँ पर मैंने 2 से 3 गाजर और आधी कटोरी मटर लिया है बॉईल किया हुआ। 2 से 3 मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं बॉईल किए हुए। 2 मीडियम साइज बारीक कटी हुई प्याज, 2 मीडियम साइज शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, 2 से 3 टमाटर बारीक कटे हुए और धनिया पत्ता और नींबू और थोड़े से टमाटर प्याज मैंने अलग निकाले हैं, इसे हम गार्निशिंग करेंगे। और लिया है मैंने पाव भाजी मसाला और मैं लास्ट में इसमें पाव भी लूँगी। तो चलिए हम अपनी आर्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को एंड बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। तो चलिए पहले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच घी लिया है और इसमें मैंने डाला है बटर और इस बटर को हम मेल्ट होने तक थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे पहले। देखिए जो बटर है वो हमारा मेल्ट हो गया है एंड अब मैं इसमें डालूँगी सबसे पहले प्याज। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज प्याज ली हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया था एंड आपको एडवाइस करूँगी आप प्याज, शिमला मिर्च एंड टमाटर जो भी कच्ची सब्जी लें उनको आप अच्छे से बारीक चॉप कर लीजिए ताकि वो जल्दी से गल जाएं एंड जल्दी से पक जाएं वो। और इनको हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनना है। सो फ्रेंड्स, जो प्याज हैं वो हमारी भुन चुके हैं एंड ये देखिए जो प्याज है वो हमारी भुन गई हैं। अब मैं इसमें डालूंगी यहाँ पर शिमला मिर्च। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज शिमला मिर्च ली हैं, इनको भी हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन प्याज के साथ। और आपको इन शिमला मिर्च को अच्छे से भूनना है। आप इसको गैस की फ्लेम को फुल कर लीजिएगा और पास ही खड़े रह के बार बार चलाते रहिएगा सब्जी को और इसको आपको अच्छे से भूनना है, जो बेसिकली जो कच्चापन है वो उसका अच्छे से निकल जाए। तो आपको इसको अच्छे से भूनना है। दो से तीन मिनट बाद देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी शिमला मिर्च और प्याज है वो अच्छे से भुन गए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, एक्चुअली हम ज़्यादा तीखा नहीं खाते इसलिए मैंने मिर्च यूज़ नहीं करी है। और ये देखिए जो हमारी शिमला मिर्च और प्याज है भुन गई है। नेक्स्ट मैं इसमें डालूँगी टमाटर, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था अच्छे से और ये 2 से 3 मीडियम साइज टमाटर हैं, इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इनको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मसाले। हम मसाले डाल लेते हैं। अब मैं यहाँ पर डालूँगी हल्दी। सबसे पहले इसमें हल्दी डालूँगी 1 चम्मच के आसपास, मैंने हाफ हाफ लिया था। धनिया पाउडर 1 से 2 चम्मच एंड मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ डेगी मिर्च, ये कश्मीरी मिर्च होती है, ज़्यादा तीखी नहीं होती बट इससे आपकी सब्ज़ी में कलर बहुत अच्छा आता है। तो 1 से 1.5 चम्मच के आसपास मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये लाल कश्मीरी मिर्च, MDH की यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारे मसालों को सब्ज़ी में। एंड अब मैं इसमें डालूँगी नमक, नमक आप डालिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट। एंड नमक डाल के अब मैं फिर से सब्जी को मिक्स कर लेती हूँ। इसको हम मिक्स कर लेंगे एंड अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो टमाटर हैं वो हमारे अच्छे से गल जाएं। और अब इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी डाल के और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे। हमें इसे 5 से 6 मिनट के लिए ढककर रख देंगे और इसे पकाएंगे सिम आंच पर, मतलब कि मंदी आंच पर इसे पकाएंगे 5 मिनट के लिए। सो फ्रेंड्स, 5 मिनट बाद मंदी आंच पर पकाने के बाद देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे मसाले में एंड सच में बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो हमारा जो मसाला है वो पक गया है और इसको आप अच्छे से चम्मच से इस तरह से मैश कर लीजिए मसाले को। एंड अब मैं इसमें डालूँगी पाव भाजी मसाला।
मैं यहाँ पर एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, एंड अब मैं इसमें डालूँगी ये एक चम्मच पाव भाजी मसाला। और ये मसाला डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने टमाटर के मसाले के साथ। एंड अब मैं इसमें डालूंगी आलू, मटर और गाजर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। यहाँ पर मैंने आलू और मटर और गाजर को अच्छे से मैश कर लिया है। आप ट्राई कीजिए, आप इसको अच्छे से मैश कर लीजिए बिल्कुल, और फिर आप इसको इस सब्जी में डालिएगा। दो तीन से चार आलू लिए हैं बॉईल किए हुए, दो से तीन गाजर और आधी कटोरी मटर, इन तीनों को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था और उसके बाद मैश करके इसमें यूज़ कर रही हूँ। और इन सब्जी को हम अच्छे से हमारा जो मसाला है उसके साथ मिक्स कर लेंगे। एंड फ्रेंड्स, आप इस तरीके से बनाइएगा, सच में ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है। एंड ट्राई कीजिए, अपने फैमिली अपने बच्चों को आप घर पे ही बना हुआ खिलाएं, क्योंकि बाहर का कुछ नहीं पता होता कौन कैसे हाथ लगाता है। तो आप घर पे बना के खिलाएंगी तो आपके हस्बैंड आपके बच्चे भी खुश होंगे कि मम्मा ने आज कुछ अलग सी चीज़ बनाई है। तो इस तरह से आप बना के खिला सकते हैं, एंड ये सच में बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही यम्मी बनता है। एंड अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना हमें भाजी को। एक्चुअली जो पाव होते हैं वो भी सूखे से ही होते हैं, तो थोड़ी सी गीली सब्जी ही अच्छी रहती है। तो हम इसमें पानी डाल देंगे, एंड पानी आप इसमें इतना डालिएगा जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, जितनी मतलब पतलापन चाहिए आपको सब्जी में, उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालिएगा, क्योंकि बॉईल होने के बाद पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम होती है सब्जी में। तो जितना हमें चाहिए उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही डाल के हम इसको पकाएंगे। थोड़ा सा मैं इसमें और पानी डालूंगी, एंड ये पानी डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड अब मैं इसको ढककर रख देंगे, हमें इसे वही 5 से 7 मिनट तक ढककर पकाना है। सिम को आप 5 मिनट के लिए पकाइएगा, एंड सिम को गैस को मंदी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट पकाने के बाद हम देखते हैं हमारा जो मसाला, हमारी जो सब्जी है वो बनी, देखिए बन चुकी है। एंड निशानी ये है कि जो ऑयल है वो आपका अलग आ जाता है ऊपर, तो मीन्स आपकी जो सब्जी है वो बनकर तैयार है पाव भाजी। तो चलिए, अब ये बन चुकी है, अब हम पाव सेकेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो चलिए, अब हम अपने गैस को मैं बंद कर दूंगी और अब हम पाव सेकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पाव सेक लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक तवा लिया है, एंड इस पे मैं डालूंगी बटर, इसको आप डालिए और इसको हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे, अच्छे से पूरे तवे पे लगा लेंगे। एंड पाव भाजी में अगर पाव बटर में ना सिके हों तो क्या बात है, क्योंकि बटर में सिकने से पाव सच में बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी लगते हैं। एंड अब मैंने इस पे डाला थोड़ा सा धनिया पत्ता, और अब मैं इसमें ये पाव सेक देती हूँ। इस तरह से हम पाव सेकेंगे, और इसको आप अच्छे से सेकिए पूरे तवे पे, ताकि जो बटर हमने डाला है वो अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। और इसको मैं पलट देती हूँ, और इस तरीके से आपको इन पाव को सेकना है। एंड फ्रेंड्स, सीरियसली अगर आप इस तरीके से पाव भाजी बना रहे हैं तो ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी बनती है। हेल्दी तो ये है ही, क्योंकि आपने खुद बनाया है इसे, ठीक है फ्रेंड्स। आपके बच्चे आपके हस्बैंड आपके पूरी फैमिली वाले आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे अगर आप इस तरीके से बनाते हैं। और ये देखिए, हमारे पाव भी सिक चुके हैं। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, सो प्लीज़ बताइएगा मुझे। तो चलिए, अब हम इन पाव को प्लेट में निकाल लेते हैं, एंड नेक्स्ट स्टेप में अब हम करेंगे प्लेटिंग। तो चलिए, अब हम प्लेटिंग करते हैं अपनी पाव भाजी की। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी आज की रेसिपी पाव भाजी बनकर तैयार है। तो चलिए, अब हम एक बार जो भाजी है उसको भी अच्छे से गार्निश कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्याज और बारीक कटा हुआ टमाटर दोनों अलग से रख लिए थे। तो थोड़ी सी हम इसमें प्याज डालेंगे, थोड़ी सी टमाटर डालेंगे बारीक कटे हुए। एंड अब मैं इसमें डालूंगी
थोड़ा सा धनिया, ये लीजिए हमने डाला थोड़ा सा धनिया पत्ता, एंड लास्ट में हम इसमें डालेंगे नींबू। आप जब पाव भाजी खाएं तो आप भाजी में नींबू डालना मत भूलिएगा। नींबू, कच्ची प्याज और हल्का सा ये कच्चे टमाटर, इनके साथ ये बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगती है। एंड लास्ट में, लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा बटर। मैंने यहाँ पर डिलीशियस का बटर यूज़ किया है, आप किसी कोई और ब्रांड भी यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए हमारी भाजी बनकर तैयार है, एंड ये हमारे पाव। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।